हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, वेरी गुड. सो वी आर डूइंग लेसन 3, एयर वी ब्रीद. ब्रीद मतलब सांस लेना. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट वार्म अप, रीड दिस पोएम अबाउट द विंड. एक छोटी सी पोएम है विंड के बारे में, ठीक है? Who has seen the wind? पोयम का नाम क्या है? Who has seen the wind? मतलब हवा को किसने देखा है? Who has seen the wind? Neither I nor you. हवा को किसने देखा है? ना मैंने देखा, ना तुमने देखा. Yes. But when the leaves hang trembling, आपने देखा पेड़ों पे पत्ते क्या होते हैं जब हिलते हैं, तब हमें क्या लगता है कि हवा, पत्ता चलता है कि हवा चल रही है, हवा तो है. द विंड इज पासिंग थ्रू, और हम जा रहे हो, दौड़ते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है कि हवा लग रही है ना? यस. हु हैज सीन द विंड? नीदर यू नॉर आई. नीदर यू नॉर आई यानी ना तुमने देखा, ना. यस. बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, देखो पिक्चर में वो ट्री जो है वो बो हो गया यानी झुक गया है, तब आपको पता चलता है कि हवा तो है, चल रही है. द विंड इज पासिंग बाय. तो ये छोटी सी पोयम थी, किसने लिखी है? क्रिस्टीना रॉसिटी. किसने लिखी है? यस. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. इस लेसन में हम दो थ्री टॉपिक्स हैं, एयर अराउंड अस, यूजेस ऑफ एयर एंड कीपिंग एयर क्लीन. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज एयर अराउंड अस. सबको पता है एयर हमारी चारों तरफ है. कैसे पता चलता है? वी कैन फील इट. हम उसको क्या कर सकते हैं? फील करते हैं. एयर इज मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस. एयर जो है वो बहुत तरह की गैसेस से मिलकर बनी है. वी कैन नॉट सी एयर. हम देख सकते हैं हवा को? नो. बट वी कैन फील इट. हम उसको क्या कर सकते हैं? फील. कैसे करोगे? अपने हैंड को ऐसे करो, है ना? अब उसमें ऐसे करो तो क्या फील हो रहा है? एयर. हाँ, ठीक है. अभी एक एग्जाम्पल दिया है नेक्स्ट पेज में. टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल. ये आप लोग घर पे बहुत करते होंगे, है ना? एक ग्लास की बॉटल ले लो, टर्न इट अपसाइड डाउन. ऐसे ग्लास की बॉटल ले ली और उसको क्या करना है? उल्टा कर देना है. नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू अ बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन हियर. अभी देखो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? आपने ऐसे बॉटल लेनी है, ठीक है ना? और उसको क्या करना है? बकेट यानी कि बाल्टी में जो पानी भरा है उसको उल्टा ऐसे बॉटल को उसमें डाल देना है. और फिर क्या करना है? डज वाटर एंटर द बॉटल? क्या पानी जो है वो बॉटल के अंदर जाएगा? नहीं. नाउ टिल द बॉटल स्लाइटली. अभी देखो नेक्स्ट पिक्चर में बॉटल को क्या किया? थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया. You will see and hear bubbles coming out of the bottle. तब क्या होता है? Bubbles निकल रही है. हमने ये experiment किया है ना? तो bubbles क्या हो रही है? निकल रही है. क्यों? Can you guess what was in the bottle? तो bottle के अंदर क्या है? Air. Very good. Air है. Yes, you are right. It is air that was present in the bottle. यानी बॉटल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर. समझ में आ गया? द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी. बॉटल हमें खाली दिखाई दे रहा है पर वो खाली नहीं है. इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कंप्लीटली. कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, है ना? विद एयर इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन. यानी कि उसको पूरा आपने जब नीचे कर दिया था तो क्या हुआ? वॉटर कुड नॉट एंटर द बॉटल. पानी उसके अंदर एंटर किया? नहीं किया. व्हेन द बॉटल वॉज पुश स्ट्रेट फेस डाउन एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर द एयर इनसाइड टू एस्केप, है ना? क्योंकि उसके अंदर बॉटल के अंदर क्या है? एयर है. तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी नहीं गई, है ना?
When the bottle was tilted, the air was able to escape out in the form of bubbles. क्योंकि बॉटल के अंदर हवा है, जब आपने थोड़ा सा टेढ़ा किया तो क्या है, बबल्स यानी हवा निकली, तो हवा जब पानी में गई तो क्या बन गए, बबल्स. एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैड ऑक्यूपाइड. और एयर जो है वो स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, घेर लेती है. ठीक है, तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो सबको समझ में आ गया ये. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वी नीड एयर. हमें हवा की क्या है? जरूरत होती है. क्यों जरूरत होती है? हाँ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर. सबको चाहिए एयर, चाहिए ना. प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन एयर. प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या चाहिए, एयर. वी ऑल्सो नीड एयर टू मेक अ फायर. अभी हर चीज में एयर चाहिए. देखो एक एग्जाम्पल दिया है, फायर यानी जब आप आग जलाएंगे तो भी क्या चाहिए आपको, एयर होनी चाहिए, तो ही आपका जो आग है वो जलेगा, यानी फायर तभी होगी. इफ यू कवर अ बर्निंग कैंडल, ये एग्जाम्पल हमने किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा है. इफ यू, जैसे हम कैंडल के ऊपर ग्लास रख दे रहे थे तो कैंडल क्या हो जा रही थी, बुझ जाती है ना. क्यों बुझ जाती है? हाँ, क्योंकि उसको एयर चाहिए, एयर नहीं मिलती है. हाँ, एयर नहीं मिलती है तो कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है. विद अ ग्लास द कैंडल बर्न्स फॉर सम टाइम. थोड़ी देर जल रही थी है ना, फिर जैसी एयर नहीं पहुंच रही थी तो कैंडल के अंदर, और आपने ग्लास कवर कर दिया तो कैंडल क्या हो गया, बुझ गया. देन द फ्लेम गोज ऑफ, राइट. दिस हैपन्स बिकॉज द कैंडल नीड्स एयर टू बर्न. इससे क्या पता चलता है कि बर्निंग के लिए क्या चाहिए, एयर. व्हेन द ग्लास कवर्स, जब हम ग्लास को कवर करेंगे, व्हेन द ग्लास कवर्स द कैंडल एयर डज नॉट रीच द फ्लेम. क्योंकि एयर वहां तक नहीं पहुंचती है तो कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है. सो द कैंडल डज नॉट बर्न एनी मोर, और बिल्कुल बुझ जाएगी क्योंकि एयर नहीं मिलेगी. तो ये समझ में आ गया टॉपिक. नाउ थर्ड टॉपिक इज कीपिंग एयर क्लीन. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें एयर को कैसे रखना है, क्लीन रखना है. वी नीड एयर टू लिव, ये सबको पता है. हमें जीने के लिए क्या चाहिए, एयर. वी मस्ट कीप इट क्लीन, और जो एयर हम लेंगे, जो सांस हम लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, फ्रेश, है ना. फ्रेश होनी चाहिए कि डर्टी होनी चाहिए, फ्रेश. Here are some ways in which we can help keep the air clean. और हम air को कैसे clean कर सकते हैं? First point दिया है, get our vehicles checked if they give out too much smoke. अगर आपके vehicles में ज़्यादा धुआँ निकलता है, मालूम है, काला-काला निकलता है, तो इसका मतलब उसको क्या चाहिए? Servicing कराने की ज़रूरत है ना? नहीं तो वो हमारे air को क्या कर देगा? Dirty कर देगा, pollute कर देगा. नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्ड फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. और जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं उसको क्या करना है, जहां हम रहते हैं उससे हमें दूर बनाने चाहिए फैक्ट्रीज, ताकि जो उसका स्मोक है वो हमें क्या करे, हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी ना करे. तो दूर रहेगा तो हम क्या होंगे, सेफ रहेंगे, और हेल्दी जो फ्रेश एयर है वो हमें मिलेगी. थर्ड पॉइंट, प्लांट मोर ट्रीज. और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, ट्रीज लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, एज दे हेल्प इन क्लीनिंग द एयर. पेड़ लगाने से क्या होगा, वो हमारे एयर को क्लीन करेगा. तो ये थ्री पॉइंट्स थे, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एयर. हमने क्या पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा है. सबको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर.